प्राचीन काल में वेदांत की भूमि थी। तो ऐसे समय में जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में नहीं हुई होगी, उस समय विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की भूमि थी जिसमें पूरे विश्व भर से लोग आते थे। शौर्य की भूमि थी जिसमें यूनान से चलकर अलेक्जेंडर भी जब आए, विश्व विजय की कल्पना मन में थी। लेकिन बिहार के समक्ष जब प्रस्तुत होना था, उसके पूर्व ही सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जब सुना कि जब मगध की सेनाएं चलती हैं, उनकी धूल में सूर्य भी छिप जाता है। एक अलग प्राचीन काल में जब देखते हैं, ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि, विश्व भर भ्रमण कीजिए तो पाते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में अनेक क्षेत्रों के नाम आज भी बिहार के गाँवों पर, उस समय के प्राचीन गाँवों पर हैं। और गाँव तो गाँव एक देश वियतनाम 1500 वर्षों तक उस चंपा के नाम पर जाना गया जिसके अवशेष आज भी भागलपुर में है। अच्छी बात है, गौरवान्वित होना चाहिए। जब तक अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं करेंगे, गौरवान्वित नहीं हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन यदि केवल बात वहीं तक रह जाए तो आगे हम नहीं जाते। स्मरण यदि हम करेंगे तो करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यदि अखंड भारत की राजधानी कहीं थी तो पाटलिपुत्र ही क्यों थी? उस अखंड भारत की जिसकी सीमाएं आज के भारत से अधिक विस्तृत थी, अफगानिस्तान के पार तक थी, पूर्वोत्तर के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक को थी, यही क्यों थी? कहीं और भी तो हो सकती थी, दिल्ली में हो सकती थी, आज भारत की राजधानी कलकत्ता अंग्रेज शासन करते थे, यही क्यों हुई? इसी बिंदु पर यदि हम चिंतन करेंगे तो हमें समाधान मिलता है। दृष्टि अलग थी प्राचीन काल में, विश्व में ज्ञान के उदय को देखें और भारत में भी देखें तो भारत में तो बड़े स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं किस प्रकार से हमारे चिंतन का विकास हुआ। मानव पीढ़ी की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद से स्थापित होती है वैदिक परंपरा। कहाँ स्थापित होती है? पश्चिमोत्तर भारत में, विलुप्त सरस्वती के तट किनारे। ऋषियों की दृष्टि रहस्यों को खोजती है, ईश्वर के स्वरूप पर चिंतन करती है और अलग अलग सूक्तों में हम पाते हैं दृष्टि क्या थी। जब वैदिक परंपरा को हम देखते हैं, सबसे प्राचीन काल में ऋग्वेद को देखें, किस प्रकार की चीजों को पढ़ते हैं, जिसको हम श्रुति कहते हैं, ईश्वर का संदेश है, क्या स्पष्ट उस रूप में मिलता है। एक रहस्य को हम पाते हैं, एक भय को हम पाते हैं जिसमें हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं ईश्वर की, और साथ साथ एक दर्शन को पाते हैं जिसमें हम चिंतन करते हैं कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है। यदि केवल दो सूक्तों को पढ़ें जिसमें दर्शन है तो नास्तीय सूक्त को पढ़ते हैं हम, ऋषि को पढ़ते हैं, चिंतन रत है सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, सृष्टि का रचयिता कौन है, जब कुछ नहीं था, ना सदास्तीन, नो सदास्तीन, तदानी नासीन जो नो व्योमा परोयत किमा व्रीवत, किसने ढका था को कर शर्मनम व्यो। इस प्रकार से जब उसी सूक्त में आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं उत्पत्ति कैसे हुई। कामस्थ दगे संवर्त भाली मंसूर एक प्रथम के राशि, एक कामना का जन्म हुआ उस प्राचीन मन में, उस कामना से ही पूरा पूरे सृष्टि की रचना हुई। लेकिन को अथा वेद को वाद वेद, क्या जिसने रचना की क्या वह भी जानता या नहीं जानता, एक प्रश्न है। उसी प्रश्न में कहीं ना कहीं जब हिरण्यगर्भ सूक्त में जाते हैं, उस जिसने रचना की उसकी स्तुति है, वह था हिरण्यगर्भ से पहले विद्यमान
वही सारे भूत जात का स्वामी महा। और उस प्रकार की जब सोच को पाते हैं तो हम देखते हैं एक प्रकार का भेद है, जो व्यक्ति यहाँ पर है दर्शन कर रहा है, चिंतन कर रहा है कहीं और की कल्पना कर रहा है, उस समय की जब रचना हुई। और जब उसी सोच को उसी परंपरा को आगे बढ़ते जाते हैं और एक वेद में हम जाते पुरुष सूक्त की बात करते हैं तो अपने आसपास की चीजों को जब देखता है उसकी शुद्धि क्या है। पुरुष सूक्त में जाइए तो उसमें चार प्रकार से वर्गों में समाज के विभाजन को देखता है, मुख से कौन उत्पन्न हुआ, शरीर से कौन उत्पन्न हुआ, इस प्रकार के जो विचारों को पाते हैं तो देखते हैं उस प्रकार का एक समावेश है चिंतन में, जिसमें आसपास की चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, शुद्धि के अनुसार परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वही परंपरा जब आगे बढ़ी तो बिहार की महानता क्यों कहते हैं, क्योंकि उस परंपरा में एक उत्कर्ष आया जिसमें सोच थी, प्रश्न थे, रहस्य थे। उस उत्कर्ष को इस भूमि ने तब देखा जब मिथिला के जंगलों में राजा जनक की सभाओं में तत्व पर चिंतन होने लगा। और तब इस भूमि की दृष्टि क्या थी, जिस वैदिक परंपरा का प्रारंभ एक प्रश्न से हुआ उसका अंत यदि कहीं हुआ तो बिहार में तब हुआ जब ऋषि ने कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण नहीं रहता है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। दृष्टि क्या थी, क्या किसी व्यक्ति के बारे में हम कह सकते हैं कि पूर्ण है? इस सभागार में, सभागार के बाहर कहीं भी यदि व्यक्ति कोई हो, शायद किसी व्यक्ति को हम यह नहीं कह पाएंगे कि पूर्ण है। लेकिन यही तो बिहार की दृष्टि है। दृष्टि कहती है कि कंप्लीट रिमेंस कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। जैसे किसी सोने के टुकड़े को यदि हम खंडित करेंगे छोटे छोटे भागों में तो सबसे छोटा भी जो कण होगा उसका गुण क्या होगा, सोने के ही होंगे। और यदि इस प्रकार से चिंतन करें और हम कहते हैं कि भाई हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, और यदि है, यदि ऐसा सोचते हो, मानते हो और कहीं भी कल्पना करते हो तो यदि छोटा सा भी अंश है तो उस परमात्मा के गुण क्या होंगे? क्या परमात्मा के गुणों को हम किसी यूनिट में परिभाषित कर सकते हैं, किलोग्राम में, किलोमीटर? और यदि नहीं कर सकते तो चेष्टा करेंगे तो क्या कहेंगे, असीम, असीम शक्ति का स्रोत, इनफाइनाइट, असीम का यदि अंश कितना भी खंडित करोगे गणित क्या कहता है, छोटा सा अंश भी तो असीम ही होगा। तो हर व्यक्ति के अंदर गुण यदि उस परम तत्व का थोड़ा भी अंश है तो गुण क्या होंगे, असीम तो होंगे। तभी तो बिहार की दृष्टि में कहा गया तत्त्वम असि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि। ये सोच कहीं और की नहीं, अपने क्षेत्र की है, उस प्राचीन समय की सोच है, जहां समाज में भी हम देखते हैं हर क्षेत्र में पूरे विश्व में अलग अलग वर्गों में समाज को बटा हुआ पाते हैं, अनेक प्रकार के भेदभाव पाते हैं। लेकिन बिहार की सोच, जातियां तब भी थी लेकिन बिहार की सोच में जातिवाद कोई हावी नहीं था। यदि रहा होता तो मगध में नंद वंश का उदय नहीं होता, सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक बन सकता है ऐसा विचार यदि कहीं उत्पन्न हुआ इसी वेदांत की धरती पर हुआ। यदि इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ कि कोई व्यक्ति शासन कर सकता है, उसका किसी वर्ग से होना आवश्यक नहीं, किसी परिवार से होना आवश्यक नहीं, और ऐसे व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार हम चुन सकते हैं, तो इसी विश्व के प्रथम गणतंत्र की भूमि वैशाली पर हुआ, जो वैशाली उस पच्चीस महाजनपद की राजधानी थी जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी। 7,707 जनराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं, अपनी योग्यता के आधार पर लोग चुनकर वैशाली के संस्थाघर में भेजते थे। उनकी सोच ऐसी थी जिससे माइक नहीं थे, कल्पना के लिए 7,707 व्यक्ति मिलकर कैसे प्रतिवर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते होंगे। बिहार की सोच थी जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी। तभी तो अफगानिस्तान के पार तक जो व्यक्ति हमारी भाषा नहीं बोल सकते थे संवाद स्थापित कर सके। लिपि अलग थी, हम ब्रह्मे में लिखते थे, उधर खरोष्टी में लिखते थे, लेकिन संदेश एक ही था। आज भी अफगानिस्तान में ढूंढने चले जाए, किसी क्षेत्र में जाएंगे, प्राचीन बिहार के संदेशों को उन्हें दस्तर शिलाओं पर पाएंगे। और विश्व में यदि कभी ऐसा समय था विश्व भर से लोग पढ़ने आना चाहते तो शक्ति क्या थी, ज्ञान की थी जो समय से परे सोचती थी। यदि उस प्रकार के भेदभाव पूर्ण चिंतन इस वेदांत की भूमि में रहा होता तो भूमि का उत्कर्ष कदापि नहीं। यदि भूमि अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सकी और सहस्त्रों वर्षों तक ऐसा कर सकी तो कारण एक था, सोच बड़ी थी। सोच छोटी होती तो मगध के सम्राट को अपने राजदूत चीन भेजने की आवश्यकता क्या थी? चिंतन छोटा होता तो लेट्स इंस्पायर बिहार से करीब 56,000 लोग जुड़े हुए हैं, कनाडा में भी जुड़े हैं, अमेरिका में भी जुड़े हैं, हैदराबाद में भी जुड़े हैं,
कार्यक्रम आयोजित होते हैं, दुबई में भी कार्यक्रम हुए, सोच क्या था? जब दिल्ली में कार्यक्रम हुआ तो लोगों ने पूछा भाई बिहार का कार्यक्रम दिल्ली में क्यों? स्पष्ट मैंने कहा, उत्तर मैं दूंगा, तुम कहते हो बिहार का कार्यक्रम दिल्ली में क्यों, यही तो बिहार की उन्नति का कारण है। उस समय का स्मरण क्यों नहीं करते जब बिहार के कार्यक्रम काबुल में भी होते थे? यदि अपने शब्द को जान जाओगे तो पाओगे तो महान क्यों थे। गौरवान्वित हो सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन यदि उस तत्व पर चिंतन नहीं किया जिसके कारण तुम महान थे तो महान नहीं बन पाओगे। महान बनने के उसी सोच को जागृत करना होगा जो कहीं और के नहीं थी। जिस प्रकार से ऋषि ने दृष्टि दी कि जो पूर्ण था पूर्ण है पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा, उसी को उसी विधान की दृष्टि को ग्रहण कर तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिसमें समस्त सृष्टि की शक्तियां समाहित हो, संचालित करने की क्षमता हो, वह व्यक्ति यदि कहता हो कि कोई लक्ष्य कठिन है तो निश्चित उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। तो बिहार को जैसे इस अवसर पर यदि हम स्मरण करते हैं अपने इतिहास को गौरवान्वित होते हैं, साथ इतिहास से दोनों का स्मरण करना होगा, उस ऋषि के दृष्टि का स्मरण करना होगा जिसने उपनिषद में कहा कि वो शक्ति तुम्हारे अंदर स्थापित है, तभी हम अग्रणी हो सके, तभी व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ सके। अनेक चीजें हैं जिसको समझ सकते हैं किस प्रकार हमारी उन्नति हुई। साम्राज्यों का उदय हमने देखा, पतन भी देखा, और पतन के कारणों के भी हम पाएंगे, वैशाली के पतन को पाएंगे। तो कारण एक ही था, आपस में हमने संघर्ष किया, छोटे छोटे वादों पर फटे, सहमति नहीं बन सकी। यदि आने अगले काल में पाएंगे किस प्रकार गुप्त साम्राज्य का भी पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य का भी पतन हुआ, एक ही चीज पाते हैं, अनेक गंभीर विषयों पर भी उस समय के जो नीति निर्माता थे उनके मध्य सहमति नहीं थी। इस प्रकार का संघर्ष था कि छोटे छोटे विषयों पर भी एक मतैक्य नहीं हो पाता। और यदि किसी रथ की कल्पना कीजिए, रथ को यदि चार पशु मिलकर खींचते हो और चारों पशुओं में समन्वय नहीं हो, कोई आगे ले जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहे, कोई बाएं ले जाना चाहे, कोई दाहिने ले जाना चाहे, तो रथ चलेगा क्या? और समाज में यदि हम लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अलग अलग बातों के नाम पर, तो समाज कहां आगे बढ़ेगा? जब हम अलग सोच रहे थे, मिलकर सोच रहे थे, अफगानिस्तान के पास स्थापित थे, विश्व को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन यदि हम आपस में लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, तो स्थिति आज हो गई, क्यों हो गई? क्यों हम चुके थे उस बिहार में जिसमें चंपा तक को प्रेरित करने की उस रूप में क्षमता थी, विश्व भर के लोग आते थे। नगरस्थनीज ने कहा विश्व का सब प्रमुख नगर इसी पाटलिपुत्र को, जिसमें अर्थशास्त्र को यदि पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कितने उद्योग थे, जिस पर कर लगता था, कितने एक प्रकार की व्यवस्था उस प्राचीन काल में कल्पना पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती, किस प्रकार के शासन को हम स्थापित कर सकते हैं, राजा का कर्तव्य क्या है, अधिकारी का कर्तव्य क्या है, उस प्राचीन काल में कहीं किस प्रकार की रचना मिलती है, इसी पाटलिपुत्र के आचार्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मिलती है। लेकिन तब आज यदि हम पाते हैं क्यों ऐसे हुए, तो संघर्षों से अलग सोचना होगा, सहयोग की भावना को जन्म देना होगा, और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए इस पूरे अभियान में हम लोगों ने कहा शिक्षा समता उद्यमिता, जो बिहार प्राचीन काल से जो उसके गुण थे, ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि, उसी को पुनः स्थापित जब तक हम नहीं करें कैसे करेंगे? एक सामाजिक अभियान के रूप में जिसका लक्ष्य दूरगामी है, छोटा लक्ष्य नहीं, कुछ समय का नहीं, कुछ वर्षों का नहीं है, लेकिन अपने जीवन काल में उस बिहार को स्थापित करने का है जिसमें शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। कैसे? अपने ही लोगों से जो सक्षम है उनसे आह्वान के सहयोग करें उनका जिनको आवश्यकता है। तभी तो आज हम देख रहे हैं पटना में 7 केंद्र है जिसमें गार्गी पाठशालाएं चल रही, महिलाएं अपने दायित्वों के अलावा समय देती हैं, और 1000 बच्चे जो वंचित है स्लम्स पे रहते हैं आज पटना के 7 केंद्रों में पढ़ाई कर रहे हैं। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया में इस प्रकार के केंद्र हैं, सैकड़ों बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को उस प्रकार से जागृत करने में सफल हो सके। मन की शुद्ध भावना जब मन से निकलती है मन को निश्चित प्रभावित करती है, और बिहार की भावना तो बिहार की भूमि में स्थापित है, हमारे पूर्वजों की है, जिससे वास्तविक रूप में प्रेरित करने लगी तो दिन दूर नहीं जब पुनः उसी अपनी भूमिका में बिहार को पाएंगे जहाँ कभी वो स्थापित थी। तो इस बिहार टॉक के अवसर पर सभी मुख्य अतिथियों को पुनः अभिनंदन करते हुए सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और देखना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जिस उद्देश्य के साथ इस बिहार टॉक को चंदन राज जी ने प्रारंभ किया है, अनेक अच्छे विचारों को हम सुन सकें और बिहार उस विकास की यात्रा में इस टॉक की भी अच्छी भूमिका रहे।
धन्यवाद। जय हिंद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आपको सुनकर न जाने बहुत सारे सारे यूथ हैं, ना केवल यूथ, यहाँ मुझे उम्मीद है उपस्थित सभी लोग ऐसे हैं जिसका प्रभाव काफी गहरा आपके मनस्थिति पर, आपके मानसिक पटल पर, आपकी बातों का प्रभाव बहुत गहरा पड़ा होगा। और आज के इस कार्यक्रम की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं कुछ मिनटों में हमारे एक और विशिष्ट अतिथि।